हाय एवरीवन, सो आज की जो वीडियो है ना, वो हमारा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रहा है ना वीडियो का, उसी का ये सेकंड पार्ट है। यानी कि 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक जो भी इवेंट होंगे ना, वो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछले वीडियो में क्या देखा था हमने कि 1885 से लेकर 1912 तक कैसे बिहार का एक अपना खुद की पहचान हो, एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, उसके लिए अलग अलग लीडर्स ने बहुत से रोल निभाए, एक बैकग्राउंड तैयार किया। और फॉर्मली जब 1911 में दिल्ली दरबार होता है और वहाँ पे जॉर्ज फाइव वो जो है कुछ चीज़ें वहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमारा कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होता है कैपिटल, प्लस पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया जाता है, और साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे अलग करते हैं बंगाल से, और फाइनली 1912 में हमारा बिहार एक इफेक्ट में आता है। तो जो बिहार जो फॉर्मली जब अलग होता है बंगाल से, तो उसकी खुद की पहचान होती है। अब जो है ना, 1912 के बाद बिहार जो है वो हमारा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग इवेंट हो रहे होंगे ना, ये सब होम रूल लीग, चंपारण, नन कॉपरेशन, उसके बाद स्वराज पार्टी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सारों में नेशनल लेवल पे तो हो ही रहा है, प्लस बिहार भी अब एक्टिवली फुल फ्लेज में पार्ट लेगा, ठीक है ना। तो हम 1912 के बाद जो अब जो घटनाएं हो रही हैं नेशनल लेवल पे, उनमें बिहार का क्या रोल है, हम इस वीडियो में वो पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम कवर करेंगे कि 1912 के बाद जो मेन मेन इवेंट हुए थे, तो उसमें कौन कौन थे। होम रूल लीग की फॉर्मेशन हुई थी, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ना सिर्फ इंडिया के लिए, ना सिर्फ बिहार के लिए, बल्कि इंडिया के लिए भी, और पूरे हिस्ट्री के लिए, इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही लैंडमार्क इंसिडेंट है वो, तो चंपारण सत्याग्रह। फिर हम देखेंगे कैसे ओरलेट एक्ट आता है, और उसके बाद हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, और उसके नॉन कोऑपरेशन के बाद स्वराज पार्टी बनता है, ठीक है ना। तो इन चारों चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहले हम होम रूल लीग मूवमेंट से। देखिए, 1912 से लेकर 1916 तक बिहार में सॉलिड ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे एक बैकग्राउंड जो है ना, वो अपना लीडर्स ढूंढ रहे थे कि कैसे हम नेशनल लीडरशिप के साथ घुल मिलकर अपने बिहार को एक और आगे मूवमेंट दें। तो उसी में हमारा आता है होम रूल लीग मूवमेंट। तो हमें पता है, और हाँ, जहाँ जहाँ ये जो इवेंट होंगे ना, इसमें सिर्फ बिहार के बारे में बताऊँ तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत मुझे नेशनल हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है ना, उससे लिंक करना पड़ेगा। मैं एक ज़रा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत रेफरेंस जहाँ जहाँ देना पड़ेगा, मैं नेशनल इवेंट का एक रेफरेंस दूंगा, ताकि कनेक्टिविटी फील हो आपको कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बिहार में मेनली हमें फैक्ट्स जो है ना, जो इवेंट्स होंगे फैक्ट्स के रूप में होंगे, जो पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन वो फैक्ट्स ऐसे याद नहीं रहेंगे। तो मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा मैं पता चलूँगा। तो पहला इवेंट है हमारा होम रूल लीग का। देखिए, हमें पता है कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है ना, वो बेसिकली एक आयरिश गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजी है ना, वो वहाँ पे जो मूवमेंट था, उसी मूवमेंट के बेसिस पे इंडिया में भी कुछ लीडर्स ने अपनाया था। उनमें मेन थे कौन नेशनल लीडर में, बाल गंगाधर तिलक हो गए और एनी बेसेंट हो गई, ठीक है ना। तो इन्होंने पहले इंडिया लेवल पे एक होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था और होम रूल लीग एस्टेब्लिश किया था। तो अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक है ना, उन्होंने जो किया था वो मेनली तीन चार इलाकों में किया था। वो था आपका महाराष्ट्र, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस और कर्नाटका। ये जो रीजन है ना, ये वाला यहाँ पे, ये वाला रीजन, ठीक है, और ये वाला। इसके बाद एनी बेसेंट जो है ना, वो मद्रास एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में किया था। यह है हमारा मद्रास, और फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया में किया था, लेकिन इनका उतना इफेक्टिव नहीं था, इफेक्टिव था बाल गंगाधर तिलक का। तो सितंबर यानी कि अप्रैल में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और हमारा सितंबर में एनी बेसेंट ने जब कर दिया, तो फिर बारी आती है बिहार की, कि बिहार में भी जो लीडर्स हैं ना, वो भी उत्सुक होते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने का। तो हमारा फिर आता है दिसंबर 1916 में पटना में, बाकीपुर पटना में कुछ लीडर्स मिलते हैं और होम रूल लीग ऑफ पटना बनाते हैं, ठीक है ना, होम रूल लीग ऑफ पटना। तो इसी होम रूल लीग पटना, जो बाकीपुर पटना में होता है, इसके प्रेसिडेंट होते हैं मजरूल हक। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि जो होम रूल लीग जो पटना बिहार में बना था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे हमारे मजरूल हक। इसके साथ साथ बिहार में और कौन कौन से जगहों पे होम रूल लीग शुरू हुआ था, ये पूछता है एग्जाम में।
तो वो था हमारा, एक तो पटना बाकीपुर पटना हो गया और दूसरा था हमारा कहाँ, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में भी एक होम रूल लीग बनाया गया था, वो बनाया गया था जनकधारी प्रसाद के द्वारा। याद रखिएगा ये है हमारे जनकधारी प्रसाद। तो एग्ज़ाम में पूछता है, या तो पूछेगा कि बिहार में किसने बनाया, पटना में, तो सिंपल सी बात है मजरूर लिखोगे कहाँ हुआ था, बाकीपुर पटना में। इसके अलावा अगर बोलेगा कि ऐसा ही मुजफ्फरपुर में हुआ था, किसने किया था, तो वो किए थे जनकधारी प्रसाद ने। ये हो गया हमारा बात किसके बारे में, होम रूल लीग के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी पूछता है कि एनी बेसेंट, जो कि एक मेन हमारे थे होम रूल लीग मूवमेंट के लिए, तो वो बिहार में कब आई, तो बिहार में जो 1918 में वो दो बार आती हैं। याद रखिए कभी कभी काउंट पूछता है कि एनी बेसेंट जो है वो इंडिया में कितनी बार आई थी, तो दो बार आई थी, याद रखिएगा, टू टाइम्स, अप्रैल और जुलाई 1918 में, यानी कि अप्रैल में आई थी और फिर मई जून जुलाई, तीन महीने के बाद जुलाई में फिर से आई थी, तो दो बार याद रखिएगा। ये हो गया होम रूल लीग के बारे में। अब ये बेसिकली था क्या, तो होम रूल लीग जो है ना बेसिकली कहता है कि गवर्नमेंट के हम अपोजिट, हम जो है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम एक, उनके साथ मिलकर अपना एक जो हमारा डिमांड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का, हम वो करना चाहते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट का पोजीशन नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना हमारा मेन टारगेट है, मेन उद्देश्य है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत सपोर्ट इनका करता था, क्योंकि ये अपोजिशन नहीं थे, सीधा अपोज नहीं करते थे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को। तो ये हमारा हो गया होम रूल लीग के बारे में। और हाँ, एनी बेसेंट का तो ये हो गया, प्लस जो बाल गंगा तिलक थे ना, उनकी जो डिमांड थी वो ये होम रूल लीग का वो डिफरेंट था, वो था उनका स्वराज, ठीक है ना। और भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे था उनका, एजुकेशन वगैरह था, वो नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात है। सिंपली अभी के लिए आप इतना ही फैक्ट याद रखिए बिहार से जुड़ा हुआ। इसके बाद जो हमारा मेन इवेंट आता है वो आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए है। इसमें देखिए क्या था कि मेली जो है ना, कि हमारा इंडिगो को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ था, कि जो हमारे यूरोपियन ट्रेडर्स थे और कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, अथॉरिटीज़ वगैरह थे, वो हमारे किसान को ये फोर्स करते थे कि अपने जो ज़मीन पे तुम इंडिगो उगाओ, ठीक है ना, इंडिगो। अब उससे होता क्या था कि इसमें एक बीघा में जितने कट्ठे होते हैं उसमें से आपको तीन कट्ठे पे कंपल्सरीली इंडिगो उगाना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या था ना, कि एक तो इंडिगो के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, तो दो तीन साल अगर आप कर लिए तो ऑटोमेटिकली सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, ठीक है ना। तो रिगेन करने का बहुत सारा तरीका है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को हम रिगेन करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग इन द सेम क्रॉप लैंड, या फिर टेरेस फार्मिंग हो गया, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, या झूम कल्टिवेशन आप सुनते होंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो हम ज्योग्राफी में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया कि टेनेंट्स को फोर्स करना कि तुम इंडिगो उगाओ, और जो पैदा हुआ ना उनसे कम दाम पे खरीदते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई प्राइस में उनको बेचते थे। अब मुनाफा हुआ तो मुनाफा होने के बाद उनको शेयर करना चाहिए, वो शेयर भी नहीं करते थे। मजबूरी क्या हो गया कि जो टेनेंट्स थे हमारे, जो वहाँ के पीजेंट्स थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो त्रस्त हो चुके थे। तो इसी समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल जो है ना वो पहुँचते हैं लखनऊ 1916 में। और वो कौन था, एक सेशन था लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में एक सेशन हुआ था, उसी सेशन में राजकुमार शुक्ल जो है ना वो आपको मिलते हैं गांधी जी से। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से 1916 लखनऊ सेशन में मिलते हैं। अब इस सेशन की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि कनेक्टिविटी फील हो। 1916 में जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेशनल लेवल पर बात करें तो लखनऊ में सेशन हुआ था। इसमें दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये था कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, अगर आप नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट अगर वीडियो देखा होगा आपने तो क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल के लिए कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, इन दोनों का जो है ना वो मर्ज हो गया था, किसमें, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो जुड़ गए थे। और दूसरा कि जो मुस्लिम लीग है ना, वो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मॉडरेट के साथ मिल गए, मॉडरेट के साथ, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिल गया। तो एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बन गया, जहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं ये सेशन। लेकिन इस सेशन में एक और बड़ा ब्लंडर हुआ था, वो ये हुआ था कि मुस्लिम लीग जो है ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कुछ शर्तें रखा था, कि मुस्लिम लीग बोला कि कांग्रेस का जो डिमांड है ना ज्वाइंट इलेक्टोरेट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह का, वो हम मानेंगे, लेकिन कांग्रेस को भी हमारी बातें माननी होंगी। तो वो कौन से था,
सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट इस डिमांड को कांग्रेस ने माना इस लखनऊ सेशन 1916 में। तो यही जो सेशन है ना, वो हम कहते हैं कि जो फाउंडेशन तैयार कर दिया टू नेशन थ्योरी का, जिसको पकड़ के मुस्लिम लीग आगे बढ़ता गया और एक सेपरेट डिमांड जो पाकिस्तान का फॉर्मली हमारे पास आता है। तो ये इवेंट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो इम्पोर्टेंट में जो हमारा जो प्रेसिडेंट थे ना, वो थे अंबिका चरण मजुमदार। तो ये एक ब्रीफ हो गया नेशनल हिस्ट्री 1916 के सेशन में क्या हुआ था, ठीक है ना। तो अब देखिए बिहार में क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल जो हैं वो जाते हैं, गांधी से मिल लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसी सेशन में ब्रज किशोर प्रसाद ने एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, किसके बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, कि वहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो एग्जाम में पूछता है कि लखनऊ जो 1916 का सेशन है ना, उसमें किस लीडर ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया था, वो किसने किया था, तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि गांधी जी को वो कन्विंस करते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद और उसके बाद राजकुमार शुक्ल कि आप बिहार में मूव कीजिए, आइए। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं और वो आते हैं कलकत्ता, और कलकत्ता में राजकुमार शुक्ल के साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद पटना मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए पहुँचते हैं चंपारण। और यहाँ पे आके वो पहले घूमते हैं आसपास के इलाकों में कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लीड करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए पहले चीज़ों को समझना होता है। तो वो पहले बैकग्राउंड को यहाँ समझ रहे थे, और समझने के बाद फिर वहाँ के अथॉरिटी से वो कन्विंस करते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, तो उनको अरेस्ट भी किया जाता है, फिर छोड़ा जाता है। और फाइनली जो उस समय का जो था ना यहाँ पे गांधी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, अब वहाँ के बिहार के थे लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, वो गांधी जी को कन्विंस करते हैं कि आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं। तो उसी बात का नतीजा ये हुआ कि कमेटी बनाया गया, उस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया गया। वो कमेटी क्या करता है कि इस कमेटी एक बिल लाता है, ये कमेटी एक बिल लाता है, और इस बिल का नाम है चंपारण एग्रेरियन बिल, जो कि 1917 में आता है। तो एग्जाम में पूछता है कि ये कमेटी कब बना था, तो 1917 में इस कमेटी के द्वारा एक बिल लाया गया था, वो बिल कब बना था, तो 1917 में बना था। और इस बिल के कारण, ये बिल जो होता है ना, पॉलिटी में पढ़े होंगे कि कोई भी एक्ट आता है तो पहले बिल आता है, बिल को पास करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो और प्रेसिडेंट का मुहर लगता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये जो बिल है ना, जो 1917 में आया था, फाइनली 1918 में एक एक्ट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं चंपारण एग्रेरियन एक्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है। 1917 में दो हुआ था और 1918 में एक हमारा ये आया था। इसका आउटकम ये निकला कि जो जितने हमारे कंपनसेशन था ना, तो 25% ऑफ द कंपनसेशन वो मान लिया गया। तो इससे ये हमारा हो गया आपको चंपारण के बारे में। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए कि जो हमारा चंपारण है ना, वो इस विक्ट्री के बाद, गांधी जी के सत्याग्रह विक्ट्री के बाद, ये किसानों में और बल्कि उस समय के कंटेम्प्रोरी जो वर्कर्स थे, मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और मिडिल क्लास मेन हो गए, जो इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, उनको भी एक हिम्मत मिला। और इस मूवमेंट के कारण, इस चंपारण सत्याग्रह के सक्सेस के कारण, अलग अलग हिस्सों में लोग अपने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू करते हैं, जिसके रिजल्ट हम देखते हैं कि यूपी में क्या होता है, यूपी किसान सभा होता है 1918 में, फिर उसके बाद अवध किसान सभा 1920 में होता है। उसके बाद हमने पीजेंट पिछले वीडियो में क्या देखा था कि पीजेंट मूवमेंट में इक्का मूवमेंट हुआ था 1921 में, हुआ था कहाँ, यूपी में हुआ था। तो इक्का मूवमेंट मदारी पासी के द्वारा हुआ था। तो इसी चंपारण सत्याग्रह के सक्सेस के बाद अलग अलग पीजेंट मूवमेंट शुरू होते हैं, और उसी पीजेंट मूवमेंट्स में हम देखेंगे आगे सेपरेटली, ये मूवमेंट सारा चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो भी मूवमेंट चलेगा। तो वो इस पूरे वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, सीरीज कंप्लीट होने के बाद, वो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि इस सत्याग्रह मूवमेंट के बाद कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट बिहार में हुए, उनको किसने लीड किया, क्या इम्पैक्ट रहा, कौन कौन से वर्कर्स मूवमेंट थे बिहार में इस सत्याग्रह मूवमेंट के बाद, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया बिहार हिस्ट्री में, कौन कौन से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थे, कौन कौन से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो इस मोमेंट के बाद स्टार्ट हुए, वो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस मोमेंट के बाद आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये क्या था हमारा, ठीक है ना। तो इसमें एडवर्ड गेट याद रखना है, ये बिल और ये एक्ट याद रखना है। इसके बाद ये पूछता है एग्जाम में कि ड्यूरिंग द प्रोसेस और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ चंपारण, गांधी जी को कौन कौन से बिहार के लीडर ने असिस्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें तीन चार नाम आपको याद रखना है, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। पहला कि राजेंद्र प्रसाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं, जिन्होंने असिस्ट किया पूरे इस मोमेंट में, यहाँ वहाँ जहाँ हमारे गांधी जी लीड करते हैं ना वहाँ वहाँ। फिर थे जे बी कृपलानी, श्री कृष्ण सिंह मजरोलक। तो आप एटलीस्ट तीन नाम याद रखिएगा, पहला राजेंद्र प्रसाद हो गए, दूसरा जे बी कृपलानी, तीसरा मजरूलक। मजरूलक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, आपको किसी न किसी रूप में वो मिल जाएंगे अलग अलग मोमेंट में। तो इस नेम को याद रखिएगा, मजरूलक को, राजेंद्र प्रसाद को कृपलानी, जे बी कृपलानी को, श्री कृष्ण सिंह को। तो ये हमारा क्या होता है, चंपारण के बारे में पूरा हो गया। तो चंपारण हो गया, चंपारण हमारा फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस एक कह सकते हैं कि सत्याग्रह का जो करने का जो एक टेक्निक है ना, उसमें फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन्होंने किया था सच्चा चंपारण में। तो ये हमारा हो गया चंपारण के बारे में। इसके बाद क्या होता है कि अलग अलग जगह जो एजिटेशन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसको दबाने के लिए जो गवर्नमेंट है ना वो क्या करता है कि रॉलेट एक्ट लाता है। रॉलेट एक्ट ये क्या था, ये बेसिकली एक ऐसा कानून था जिसमें कि बिना बोले, बिना कुछ आपको सफाई दिए, सरकार चाहे तो आपको अरेस्ट कर लेगा, यानी कि नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। ये जो टर्म है ना याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। कई बार स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि ये किस कानून से संबंधित है, किस लॉ से ये रिलेटेड है, तो वो है हमारा रॉलेट एक्ट से। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है ना कि रॉलेट एक्ट में जो हमारे बेसिकली ये सेडिशन का कानून है। सेडिशन क्या होता है कि गवर्नमेंट को अगर लगा किसी भी इंसान के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ये सरकार के अगेंस्ट में है, तो सरकार उस पर सेडिशन लगा सकता है, जो कि 2019-20 में या 18-19 में बहुत ही बवाल मचा था मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, जब मोदी गवर्नमेंट जो है ना वो सेडिशन के कुछ क्लॉजेस में कुछ मॉडिफिकेशन किया था, अमेंडमेंट किया था उन्होंने किया था, तो मोदी गवर्नमेंट की बहुत आलोचना भी हुई थी, ठीक है ना। तो इसी सेडिशन को हम कहते हैं रॉलेट एक्ट, यानी कि सेडिशन टाइप जो हमारा एक्ट था ना, जो लोगों को किसी भी बिना रीजन के अरेस्ट कर सकते हैं वो। तो इसी के लिए हमारा क्या है ना कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक नेशन वाइड हड़ताल बुलाया था, 6 अप्रैल को, और बिहार में भी यही डेट चूज किया गया था नेशन वाइड हड़ताल के लिए। और इस 6 अप्रैल को जब किया गया था तो बिहार में 4 इलाके में बहुत ज़्यादा इसको फुल फ्लेज में प्रमोट किया गया, वो था गया, फिर था आपका मुंगेर, मुजफ्फरपुर और छपरा। ये है आपका, कहाँ गया मैप, ये है आपका मुजफ्फरपुर, यहाँ पे छपरा सारण, ये है आपका मुंगेर, और ये है आपका मुजफ्फरपुर, यहाँ पे चार, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और छपरा, इन चारों रीजन में। इसके बाद क्या होता है कि इसके अगेंस्ट में जलियांवाला बाग, तो आपको पता ही है कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हुआ था, उसमें सैफुद्दीन किचलू और एक और लीडर थे सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों के लीडरशिप में वहाँ पर अरेंजमेंट हुआ था। और एक भरी सभा में जहाँ सिर्फ एक एंट्री, एक एग्जिट पॉइंट था, वहाँ पे जिन्हें डायर ने गोली चलवा दिया था। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था और इसी के रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ, तो गांधी जी ने फिर 18 अप्रैल को इस मोमेंट को विड्रॉ कर लिया था, जो रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो ये आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हो गया इसके बारे में, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि खिलाफत मूवमेंट का जो हमारा एक सीक्वेंस आता है, इसमें क्या होता है कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो बेसिकली जो रॉलेट एक्ट हो गया, उसके बाद, उसके पहले भी ये हमारा वर्ल्ड वार का फेज भी चल रहा है, 1914 से लेकर 1919 तक हमारा वर्ल्ड वार का फेज चल रहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे फैक्टर जो है ना वो कंबाइन होते हैं और एक रिजेंटमेंट पैदा करता है, और उसके उसी के रिजल्ट जो है ना हमारा खिलाफत मूवमेंट आता है और बाद में नॉन कोऑपरेशन आता है। तो वो हम देखने क्या है, बिना पूछे इंडिया को इन्वॉल्व कर लेना फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिसके कारण इकोनॉमिक हार्डशिप होता है हमारे इंडिया में, जॉब लॉस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और बहुत सारा क्राइसिस आता है। उस क्राइसिस के कारण, और दूसरा कि जो हमारा 1905 में हमने देखा था जो हमारा स्वराज के लिए कैसे मूवमेंट होता है, तो उन सब के लिए जो फॉल्स एक हमारा कहते हैं ना कमिटमेंट जो अंग्रेज दे रहे थे कि हाँ हम देंगे देंगे देंगे, तो उससे डिससेटिस्फेक्शन था लोगों में। प्लस जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद टर्की के जो लीडर थे, ऑटोमन कैलिफेट थे, उनको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मतलब बिहेव किया था अंग्रेज, इसके कारण जो मुस्लिम जो है ना उनके सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुई थी, वो हो गया। प्लस रॉलेट एक्ट जो है इतना बहुत ही काला कानून, इसको कहते हैं बहुत ही गंदा काला कानून, इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था। इसी को लेके एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन होता है और खिलाफत मूवमेंट एंड कोऑपरेशन रूप में तैयार होता है। तो हम अभी वो देखते हैं।
जब टर्की के ऑटोमन, टर्की और ऑटोमन कैलिफेट जो थे उनके खिलाफ जब होता है ना कुछ वहाँ पे मिसबिहेव, तो उसके रिस्पांस में इंडिया में खिलाफत कमेटी बनता है, ये अली बदस के लीडरशिप में, वो थे हमारे शौकत अली और मोहम्मद अली। ये जो है ना खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी बनाते हैं अर्ली 1919 में। ये खिलाफत कमेटी के मेनली काम क्या था कि मुस्लिम्स को अवेयर करना, उनको यूनाइट करना अगेंस्ट द ब्रिटिश एग्रेशंस, अगेंस्ट द टर्की, अगेंस्ट द टर्की। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये याद रखिए कि अर्ली 1919 में खिलाफत कमेटी बना था अर्ली अंडर लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब इसके बाद जो है ना एक नवंबर 1919 में कॉन्फ्रेंस होता है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जिसको लीड किया था गांधी जी ने। तो यह हमें पूछता है कि इस कॉन्फ्रेंस को लीड किसने किया था, गांधी जी ने। इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है कि जो मुस्लिम्स होंगे ना और भी जो हमारे कम्युनिस्ट लीडर्स होंगे वो बॉयकॉट करेंगे गुड्स का, बॉयकॉट करेंगे गुड्स का, किसका, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करेंगे वो। इसके रिस्पॉन्स में जब ये हमारा होता है, ये टाइमलाइन बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद जब ये चीज़ हमारा नवंबर 1919 में हो गया, फिर यहाँ पे हम बढ़ के आते हैं 1 अगस्त 1920 को गांधी जी जो है ना वो हमारा नन कोऑपरेशन के बारे में आह्वान करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में जो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस है ना, ये एक मीटिंग करती है। आपको मैंने बताया है 1908 में बिहार प्रोविंशियल कमेटी बना था, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, और वो कमेटी हर साल एक कॉन्फ्रेंस करती है। तो पहला बांकीपुर पटना में हुआ था, दूसरा हमारा भागलपुर में हुआ था अंडर दीप नारायण सिंह के लीडरशिप में, मतलब वो असिस्ट किए थे। तो वही कॉन्फ्रेंस का एक हमारा मीटिंग होता है 1920 में। ये 28 अगस्त 1920 को जो मीटिंग होता है ना, इस मीटिंग में ये जो है हमारा लीड करते हैं राजेंद्र प्रसाद, और ये होता है भागलपुर में। इसमें हमें, इसमें जो है नन कोऑपरेशन करना है, यानी कि कोऑपरेट नहीं करना है अंग्रेज़ों के साथ, वो हमारा पास होता है जो है टू सपोर्ट द एनसीएम बाय गांधी जी। जो गांधी जी ने नन कोऑपरेशन स्टार्ट किया था 1 अगस्त 1920 को, उसको सपोर्ट किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही जो बिहार में नन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा 28 अगस्त 1920 इस समय बिहार में नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था फॉर्मली, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन पास हो गया था। और इसी के बाद फिलहाल क्या होता है कि 31 अगस्त 1920 को ये जो 1919 में खिलाफत कमेटी बना है ना, यही खिलाफत कमेटी 1920 में फिर फॉर्मली अनाउंस करता है नन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। और हम कहते हैं, ये कह सकते हैं कि जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, तो फिलहाल सबसे पहले इसी खिलाफत कमेटी ने स्टार्ट किया था। और इस खिलाफत कमेटी को देखकर जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं वो अलग अलग सेशंस करते हैं, उस सेशंस में फाइनली इंडोर्स होता है हमारा क्या, नन कोऑपरेशन। तो फिर इसी खिलाफत के साथ हमारा कांग्रेस भी जो है ना वो नन कोऑपरेशन बन जाता है। तो हमारा खिलाफत नॉन कोऑपरेशन 1920 में जो पास होने के बाद 1921 में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन फुल फ्लेज में चलता है। तो इसमें क्या होता है कि खिलाफत कमेटी जो है, जो फॉर्मली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, वो प्रोग्राम को इंडोर्स, मतलब स्टार्ट करता है, स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद इस स्पेशल सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन होता है, कहाँ पे, कलकत्ता में। तो इस स्पेशल सेशन में ये नन कोऑपरेशन प्रोग्राम को मतलब अप्रूव किया जाता है कि हाँ कांग्रेस स्टार्ट करेगी। और फिर इसी सितंबर 1920 के बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है। तो ये दो सेशन आपको याद रखना है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, इसमें नन कोऑपरेशन प्रोग्राम को पास किया गया था कि हाँ हम स्टार्ट करेंगे। और नागपुर 1920 का जो सेशन है ना, दिसंबर 1920, इसमें नागपुर सेशन में फाइनली नन कोऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया गया था, याद रखिएगा। और साथ ही साथ तीन चीज़ें और की गई थी इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि नन कोऑपरेशन तो स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि खिलाफत तो पहले ही कर चुके हैं नन कोऑपरेशन, अब कांग्रेस भी नन कोऑपरेशन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया। दूसरा कि इसमें कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है ना, उसको बदला जाता है। उसके में क्या होता है कि कांग्रेस को एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC बना जाता है, जिसमें कि 15 मेंबर्स होंगे। अब वो पंद्रह मेंबर्स आगे पूरा लीड करेंगे हर एक मूवमेंट को। तो यही 1920 में जो हमारा CWC बनता है ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आज के दिन में जो हमारा जो कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी का मीटिंग होता है ना, जो सोनिया गांधी अभी हेड है उनकी, तो वो ये जो अभी आज का जो कांग्रेस का हमारा वर्किंग कमेटी है वो इसी समय बना था,
1920 में बना था, याद रखिएगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, में 15 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया था जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर से चुन के आते हैं और वही 15 सदस्य बनते हैं, वही लीड करते हैं और वहाँ से जो भी एक कमांड आता है, जो भी एक ऑर्डर आता है, उसको हम बोलते हैं हाई कमांड। उनका एक टर्म है, वो एक बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपली याद रखिएगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यहाँ बनाया गया था जो कि प्रेजेंट डे चल रहा है, अभी तक चल रहा है वो। उसके बाद कांग्रेस ये भी डिसाइड करता है कि हम एक प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाएंगे बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएंगे। हमें हमें पता है कि इंडिया में बहुत से अलग अलग रीजन में क्या है, बहुत अलग अलग भाषा है, बहुत अलग अलग कल्चर है, तो क्यों ना हम एक सेपरेट रीजन में जहाँ उनकी अलग बोली है, हम उसी भाषा में वहाँ की प्रोविंशियल कमेटी बना दें, क्योंकि वो अपनी भाषा में लोग जो है ना वो ज़्यादातर एग्रेसिव वे में और अच्छे तरीके से बातों को रख सकते हैं। तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म किया गया था ये नागपुर सेशन में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब फाइनली जब ये अनाउंस दिसंबर 1920 में अनाउंस होता है तो फुल फ्लेजमेंट 1921 में हमारा नन कोऑपरेशन शुरू होता है। अब नन कोऑपरेशन मूवमेंट में होता क्या है, बेसिकली कुछ मेथोडोलॉजी अपनाया गया था इस पूरे मूवमेंट में कि हम कैसे करेंगे इसको लीड। तो इसको करने के लिए ये हुआ था कि इन एवरी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेंस, एवरी फॉर्म, जिस भी तरीके से हो सकता है, हम कांग्रेस, हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बॉयकॉट करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये था कि कैसे हम अंग्रेज़ों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जैसे कि आपको लेजिस्लेचर हो गया, फिर लॉ कोर्ट्स हो गया, फिर उनके इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके कॉलेज हो गए, उनके यूनिवर्सिटी हो गए, उनके फैक्ट्रीज के में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हो गए, हर एक चीज़ का हम बॉयकॉट करेंगे। और इसी के रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि इस समय 1920 में अलग अलग जगह एक एजुकेशन, कहीं और कॉलेज खुल रहा है, कहीं कॉलेज बन रहा है, कहीं बच्चे जो हैं वो अपना नाम हटा ले रहे हैं, कुछ लॉयर्स अपना कोर्ट से हटा ले रहे हैं नाम, कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ हमारे लीडर्स हैं वो अपना कैंडिडेट हटा ले रहे हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अब जब फॉर्मली हमारा स्टार्ट हो गया तो बिहार में क्या होता है, ये हमारा बिहार स्पेशल, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट शुरू होगा कि इस मूवमेंट के बाद बिहार में भी कुछ कुछ बदलाव होते हैं, वो बदलाव क्या थे। तो सबसे पहले कि लेजिस्लेटिव हमारा जो है ना कि कुछ लीडर्स जो हैं वो अपना कैंडिडेचर जो है ना वो लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो था ना हमारा, उसी साल नवंबर में इलेक्शन था, उससे अपना कैंडिडेचर को वापस लेते हैं। तो वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि नन कोऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद बिहार में कौन कौन से लीडर हैं जो कि अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर लिए थे। तो उनमें से याद रखिएगा, एक हमारे मजरूल हक, देखिए यहाँ भी आ गए चंपारण में भी, मजरूल हक जो है ना वो चंपारण में भी गांधी जी को असिस्ट किए थे, तो इनको आप बहुत याद रखें अच्छे तरीके से। फिर राजेंद्र प्रसाद, देखिए यहाँ भी राजेंद्र प्रसाद आ गए है ना चंपारण में, और यहाँ भी नन कोऑपरेशन में भी आ गए, तो ये कॉमन लीडर है, आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद, देखिए ये यहाँ पे आ गए, अब ये जो है ना 1916 में रेजोल्यूशन पास किए थे, ये यहाँ भी आ गए। मोहम्मद शफी जो है ना वो मुजफ्फरपुर से लीड किए थे, तो ये चारों अपने, उन्होंने अपना, और भी अलग थे लेकिन ये चारों फेमस हैं जिन्होंने अपना कैंडिडेचर जो है ना वापस ले लिया था, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद के जो बड़े भाई हैं ना महेंद्र प्रसाद, इनको एक टाइटल मिला था राय साहब का, तो इन्होंने इसी मोमेंट के दौरान अपना टाइटल, जो राय साहब का टाइटल है ना वो हटा लिया था। तो एग्जाम में पूछता है कि राय साहब की उपाधि जो है वो किसने हटाया था और कब हटाया था, कौन से मोमेंट के दौरान हटाया था, तो वो था हमारा नन कोऑपरेशन मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सदाकत आश्रम एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए फिर से आज हमारे आ जाएंगे कौन, मजरूल हक आ जाएंगे। मजरूल हक जो है ना इनको आप भूल नहीं सकते, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है ना यहाँ बिहार के लिए कि मत पूछिए। मजरूल हक जो है ना वो सदाकत आश्रम का निर्माण करते हैं दिग्घा, जो पटना में दिग्घा है ना, दिग्घा के पास। और इसी सदाकत आश्रम बनने के बाद जो फ्यूचर में जो भी मूवमेंट्स होते हैं ना उसका एक मेन हमारा हेडक्वार्टर बन जाता है कांग्रेस कमेटी का, सदाकत आश्रम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सदाकत आश्रम कब बनता है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बनता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो मजरूल हक के द्वारा बनाया जाता है। अब इसी सदाकत आश्रम से मजरूल हक जो है ना वो एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था द मदरलैंड। ये मदरलैंड सितंबर 1921 में शुरू होता है, याद रखिएगा सितंबर 1921 में मजरूल हक द्वारा द मदरलैंड एक हमारा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जाता है। इसका बेसिकली एम क्या था,
कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे स्प्रेड करना है, हिंदू मुस्लिम को कैसे एक रखना है, वो हो गया हमारा। और तीसरा था कि अराउज नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म को स्टार्ट करना है हमें, मतलब कैसे फीलिंग को और ज़्यादा स्प्रेड करना है, ये इसका मेन था, ये चीज़ें। अब अगर मैगजीन की हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें दो मैगजीन और याद रखिएगा। एक तो हमें पता है कि जो बिहार के क्रिएशन के लिए दो मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली सिर्फ बिहार के क्रिएशन के लिए ही वर्क कर रहे थे, तो वो था बिहार टाइम जो 1894 में हुआ था महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, और 1906 में वही हमारा बिहार टाइम्स बदल के होता है बिहारी, जो कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वो दो मैगजीन सिर्फ बिहार के फॉर्मेशन के लिए कर रहा है, ये मैगजीन जो है ना वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कर रहा है। अब बिहार ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है ना, तो ये द मदरलैंड हो गया। अब यहाँ तक जो होने के बाद, अब इसके बाद भी कुछ कुछ इवेंट होते हैं जो हमें देखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सितंबर 1921 हो गया ना, अब इसके बाद हमारा नवंबर में क्या होगा ना कि प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आएंगे, तो उनका बहुत बॉयकट होता है, और फिर वही प्रिंस ऑफ वेल्स दिसंबर 1921 में फिर इंडिया ये पटना आते हैं, तो उनके अराइवल को भी पटना में बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स पटना में कब आए, तो दिसंबर 1921 में। इंडिया में कब आए, तो एक महीना पहले नवंबर 1921 में। इसके बाद ये सब जब हो जाएगा ना, तो 1921 हो जाएगा, तो फिर हमारा एक मेन इवेंट आता है, क्या चौरा चौरी इवेंट हो जाता है, वो क्या है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है।